फ्लिपकार्ट की तरफ से सेल का अनाउंसमेंट किया गया 29 सितंबर से 4 अक्टूबर, और वैसे ही अमेजोन की तरफ से भी जो सेल है उसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या आपको ये है कि आपको फोन लेना है और कौन सा फोन ले इसके लिए आप परेशान हैं। दिक्कत ये आ रही है कि 10,000 के रेंज में काफी सारे फोन लॉन्च हो चुके हैं और काफी सारे फोन का जो है नंबर यहाँ पे दिया हुआ है और प्राइसेस दी हुई है, तो आपको दिक्कत ये हो रही है कि कौन सा फोन लेना सही रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंस्टेंट डिस्काउंट के लिए 10% आपको एक्सिस बैंक का क्रेडिट या डेबिट कार्ड और आईसीआईसीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट के ऊपर और अमेजोन के ऊपर आपको मिलेगा ये डिस्काउंट 10% का एसबीआई के कार्ड के ऊपर। तो दोस्तों इन सब बातों के बाद मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 10,000 का फोन कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा लेने के लिए। तो दोस्तों जो फोन अवेलेबल थे 15,000 रुपए में बेस्ट सेगमेंट में, वो आज की डेट में 10,000 रुपए में आपको अवेलेबल है और प्लस आपको डिस्काउंट अलग से मिल रहा है। तो मैं बात कर रहा हूं सबसे पहले सैमसंग के M30 के बारे में, सैमसंग गैलेक्सी M30, जो कि 15,000 के रेंज में बेस्ट फोन माना जाता था क्योंकि 5,000 mAh की बैटरी, स्टनिंग 6.4 का सुपर एमोलेड स्क्रीन और साथ ही साथ अच्छा प्रोसेसर, उसके बाद कैमरा क्वालिटी भी अच्छी है इसकी। तो ये आपको 10,000 रुपए में यहाँ पे प्राइस को लॉक किया गया है और इसके ऊपर से भी 10% का आपको डिस्काउंट मिलेगा बैंक डिस्काउंट, मतलब कि आपका जो फोन पड़ने वाला है वो आपको 9,100 रुपए में मिलने वाला है। तो दोस्तों जो मैंने फोन के बारे में पहले वीडियोस बनाए थे 15,000 के रेंज में बढ़िया फोन, उसमें इसका नाम लिया था क्योंकि सैमसंग के फैंस बहुत ज्यादा हैं, तो आप लोगों के लिए 9,100 में इससे बेहतर फोन आज की डेट में कोई भी अवेलेबल नहीं है। आप अगर मेरी राय से सहमत है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्या मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को कि मुझे पता लग जाए कि हाँ सैमसंग M30 आप लोग लेना चाहते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं इसके बाद दूसरे नंबर पे फोन जो सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन है और जिसके ऊपर 15,000 के रेंज में सबसे ज्यादा चीजें बिकी हैं, तो ये है रियलमी का 3 प्रो। दोस्तों रियलमी 3 प्रो 11,000 रुपए में ये फोन लेके आ रहा है, जिसके अंदर इंक्लूडेड है 1,000 रुपए का प्रीपेड प्राइस, मतलब कि जैसे ही आप प्रीपेड ऑर्डर करते हो और प्राइस को पहले पे कर देते हो तो आपको 1,000 रुपए का अलग से डिस्काउंट दिया जाता है। तो 10,999 रुपीज में आपको ये फोन अवेलेबल कराया गया है, साथ ही साथ आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इस फोन की कीमत 10,000 के नीचे आ जाएगी। तो Realme 3 Pro वन ऑफ द बेस्ट फोन्स में से माना जा रहा था 15,000 के नीचे, लेकिन ये 10,000 के नीचे आप लोग अवेलेबल है, तो आप ये फोन आंख बंद करके ले सकते हैं और इस फोन के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप लेने के बाद आपको मालूम चलेगा। जारी रखने के लिए आगे सबसे पहले आप लोगों को बताऊंगा कि 15,000 के रेंज में, 20,000 के रेंज में और भी बहुत सारे ऑफर्स जिनके बारे में मैं वीडियो बनाना चाहता हूं, तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिए अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो, सब्सक्राइब कीजिए चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो, और कोशिश कीजिए कि इस इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाइए क्योंकि 10 से 15,000 वाला सेगमेंट सबसे बढ़िया सेगमेंट है और लोग सबसे ज्यादा फोन इसी बीच में लेना चाहते हैं। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे वीडियो आपके काम के आने वाला है। अब कौन सा फोन इसके अंदर लीड कर रहा है, तो दोस्तों Redmi Note 7 Pro जो कि 48 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 675 प्रोसेसर के साथ आता है स्नैपड्रैगन के, ये फोन 15,000 के नीचे बेस्ट फोन माना जा रहा था, लेकिन 4GB 64GB वेरिएंट आपको 11,000 रुपए में अवेलेबल है, इसके ऊपर 10% डिस्काउंट अब मान लो तो ये भी फोन 10,000 के नीचे आपको अवेलेबल है। और ये फोन जो है ना ये बहुत ज्यादा बेस्ट सेलिंग फोन है और काफी ज्यादा बिका है रेडमी का ये फोन, रेडमी के मार्केट को काफी ऊपर कर दिया इस फोन ने। तो मेरे हिसाब से इस फोन को आप ले सकते हैं 10,000 के नीचे आपका अगर बजट है और आप चाहते हैं कि बढ़िया फोन ले, प्रोसेसर अच्छा हो, गेमिंग भी कर सके, कैमरा क्वालिटी भी अच्छा हो, तो Redmi Note 7 Pro से बढ़िया कोई भी फोन नहीं है। तो एक नंबर ये, दो नंबर Realme 3 Pro, तीन नंबर Samsung M30, और इन तीन फोन के अलावा ये तीन फोन जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे फोन वन ऑफ द बेस्ट फोन में से काउंट होते हैं। लेकिन एक मेरी रिकमेंडेशन है कि Honor 10 Lite जो कि 10,000 के नीचे बहुत ही बेहतरीन प्राइस पे आ रहा है 8,000 रुपए में प्लस 10% का डिस्काउंट, जो कि आज की डेट में अवेलेबल है 15,000 रुपए में, 4GB 64GB वाला नहीं, 6GB 64GB वाला, लेकिन अगर 4GB 64GB वाला भी आपको अगर मिल रहा है इस प्राइस रेंज में 8,000 में, तो मेरे हिसाब से ये बेहतर फोन है, ये फोन आप ले सकते हैं। तो दोस्तों Honor 10 Lite भी आपके पास अवेलेबल है और आपके पास ऑप्शन है, तो ये 10,000 के नीचे ये चार फोन मैं बताया आपको, अगर इसमें से कोई भी फोन आप ले रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए सबके पास कि 10,000 के नीचे ये फोन लेना चाहिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने